पिछले करीब 9 साल से राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद आसाराम बापू एक बार फिर चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आसाराम बापू के आश्रम में खड़ी एक कार में नाबालिग लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृत लड़की का नाम स्वाति पांडे बताया जा रहा है। 13 वर्षीय स्वाति की मां गीता पांडे ने बताया कि 3 साल पहले उनके पति मनोज पांडे घर से लापता हो गए थे, जिनका आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। गीता पांडे ने कहा कि अब उनकी 13 साल की बेटी स्वाति पांडे को भी गायब कर दिया गया, जिसके बाद उसका अब शव मिला है। स्वाति की मां के मुताबिक कुछ साल पहले उनकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। लापता होने के बाद नाबालिग की काफी खोजबीन की गई, मगर वह नहीं मिली। इसके बाद शुक्रवार तड़के अचानक घर के सामने स्थित आसाराम बापू के आश्रम में खड़ी ऑल्टो कार की डिग्गी में लड़की का शव बरामद किया गया। सुबह कार से दुर्गंध आने पर आश्रम के कर्मचारियों ने जब गाड़ी खोली तो अंदर शव पाया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने अब आसाराम बापू के आश्रम को सील कर दिया है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में यह मामला लड़की की हत्या कर शव को छिपाए जाने का मालूम पड़ रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद गोंडा के डीएम डॉक्टर उज्जवल कुमार और एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने घटना स्थल का दौरा किया। इसके साथ ही इस घटना में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 5 टीमों को लगाया है। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर पड़ताल की है। वही आश्रम के सेवादार समेत कई लोगों को पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। कोतवाली नगर जनपद गोडा एक 13 वर्षीय बालिका की 5 अप्रैल को गुमशुदा होने की घर से गायब हो जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसके बाद 7 अप्रैल को परिजनों द्वारा 3 नामजद लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया था। परिजन और पुलिस की खोजबीन के दौरान आज रात में ये जानकारी मिली कि घर के ठीक सामने एक आसाराम बापू का सत्संग स्थल है, उस परिसर के अंदर एक वाहन के अंदर बच्ची का शव है। इस सूचना पर उच्चाधिकारियों के साथ साथ फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर गए। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है, हर स्तर से साक्ष्य संकलन कर इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यह घटना गोंडा जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के बिमोर गांव में स्थित आसाराम बापू के आश्रम की बताई जा रही है, जहां यह कार बीते कई दिनों से खड़ी थी। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।